हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। आशा करती हूँ हमेशा कि आप लोग खुश रहिए। और यहाँ गुड मॉर्निंग हो गई है सुबह मेरी, और तो यहाँ पे बन रही है चाय, और हम लोग की ब्लैक टी हो चुकी है। यहाँ बच्चों की लंच बन रहा है, और एक साइड में मैंने चाय रख दिया है पापा जी के लिए। तो पापा जी का पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं चाय एक तरफ बना रही हूँ, एक तरफ जा रही हूँ पूड़ी तलने। सब्जी हमारी आलू की भुजिया हो चुकी थी, तो मैं सोची चलो आज ब्लॉग किचन से ही स्टार्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट थोड़ा सा पूड़िया जो है बच्चों के लंच के लिए तल लेती हूँ। तो आज कल मेरा ब्लॉग नहीं गया था आप लोग को, नहीं गया था, रात को गया, रात को काफ़ी रात हो गई थी। कारण था उसका, क्योंकि हमारे, मैंने बताया था ना, मेरे भी नेट पैक ख़त्म हो चुका था, जिसके कारण लेट हुआ। और मैंने आप लोग से कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं कर पाई, मैं जान ही नहीं पाई थी कि मेरा नेट ख़त्म। मैं इससे जा रहा था, मैसेज को मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी ही गलती थी। तो ये भी नहीं थे, इसलिए थोड़ा और मुझे लेट हो गया। तो यहाँ मैं चली हूँ अब बाबू का सुबह, क्योंकि इससे अभी मैं स्कूल नहीं भेजूँगी। मैं सोची थी स्कूल भेज दूँगी, बट हुआ क्या कि देखे रात को जब वो सोया था, हाथ थोड़ा भी दबा हुआ था। क्यों, क्या कारण था कि उसके हाथ से ब्लड आ चुका था। और रात को इनका भी फोन आया था, तो बोले नहीं भेजो अभी, कैसे वो खाएगा या बॉटल खोलेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बाबू मेरा स्कूल नहीं गया। तो आज मैं यहाँ पे पहले अपना किचन का काम, मैंने किचन का बस भोजन और लंच ये सब का काम होने के बाद, पहले मैं सबसे पहला काम मैं कपड़े धुलने वाला करूँगी, क्योंकि कपड़े भिगो लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलूँगी, तब पूछा और किचन क्लीन होगा। तो पहले मैंने यहाँ पर कपड़े भिगो दे रही हूँ, इसलिए कपड़े भिगो रही हूँ क्योंकि मशीन तो मेरा गड़बड़ है, जो नहीं हो रहा चल रहा है वो तो प्रॉब्लम है ही, बट थोड़ी सी भिगो के जल्दी जल्दी कर लो, तो नहीं तो लेट हो जाता। और शाम का जब रख देती हूँ ना, तो इधर भी शाम को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने कपड़े सबके धुलूँ, क्या करूँ, क्योंकि अजीब सा थकान सी हो जाती है ना, तो फीवर सा अजीब सा लग रहा है। तो इसीलिए मैं चलिए मैं यहाँ पे कपड़े वाला काम कर लेती हूँ। उसके बाद इसे भिगोने के बाद फिर और सब, क्योंकि आज इनको भी गांव से लग रहा, आज ये भी आएंगे, तो पहले कपड़े मैं धुल देती हूँ क्योंकि नहीं तो फिर वही करेंगे। तो मेरा सुबह से कुछ रूटीन इस तरीके से रह जाता है, भागम भाग। और जो कपड़े कल के ऐसे थे वो भी ऐसे पड़े थे, तो उसे भी मैं लगे हाथ ही, इसीलिए फोल्ड भी कर रही थी कि फिर बस झाड़ू लगाना रहेगा, बिस्तर उसे झाड़ लेंगे, सब काम कर लेंगे। तो इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तब भी करना तो रहेगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अभी आप लोग से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग भले चंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और खुश रहिए, तो आशा हमेशा यही करती हूँ। अभी मैं कोम वोम नहीं की हूँ, ऐसे ही पढ़ी हूँ। तो चलिए आज मेरा, अभी बज रहा है 9, और 9 बजे आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट पहले से हुआ था, बट अभी आज मैंने सबसे पहले वाला काम क्या किया है, पहले मैंने क्लीनिंग करती थी किचन का ये सब, तो पहले आज मैंने किचन से नहीं स्टार्ट किया, बस भोजन बन गया जो भी हो, लंच वगैरह सब बच्चों का गया, और बाबू नहीं गया है अभी, बाबू जाएगा भी नहीं, अब कल से जाएगा, इसके दूसरी ड्रेसिंग हो जाएगी तब मैं सोचूँ इसे भेजूँगी। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बाथरूम में बैठ के यहाँ पे ये सब कपड़े एक बाल्टी मैंने धुले हैं, देखे एक कपड़े, पहले आज मैंने कपड़े धोने वाला काम किया, और कपड़े धो ली तो अब पहले कपड़े डालूँगी, उसके बाद फिर करूँगी किचन क्लीन, फिर घर की झाड़ू। और मुझे अपने कर्टन्स, मैंने पर्दे एक करके ऐसे साफ करूँगी, क्योंकि मशीन में वो चल नहीं सकता और हाथ से धुलने होते हैं थक जाते हैं, तो इसलिए मैं एक एक करके धोऊँगी। तो पहले चलती हूँ कपड़ा डालती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो
चलिए अब मैं चलती हूँ ऊपर छत पे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद छत पे, जैसे भीगने तो गई थी बट कपड़े जो हैं भीगने, कल के आप लोग ब्लॉग में देखें वीडियो में मैंने भीगने गई थी बट कपड़े डालने वाला काम मैं इधर बिल्कुल नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ही अपने में चढ़ने में थक जाती थी तो कपड़े लेके, बट आज मेरी मजबूरी थी जो मुझे लेके जाना था, ये भी नहीं थे बच्चे भी नहीं थे और कपड़े ढेर सारे धुला गए थे तो ऊपर बिना डाले काम ही नहीं चलता। तो इस रिकॉर्डिंग तो मेरा सुबह से लेके दोपहर 1-2 बजे तक कुछ रूटीन मेरा ऐसे ही होता है, बस भागम भाग काम। तो हर इंडियन हाउसवाइफ अपनी, मुझे लगता है ऐसे ही अपने काम को पूरा दिन बिजी रखती हैं रूटीन, क्योंकि देखिए आप अपने आप को बिजी रखेंगे, आपका अपना सिस्टम सही रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। जैसे जब खाली होता है दिमाग तो खाली दिमाग लोग कहते हैं शैतान घर, तो ऐसा भी नहीं। और मैं यहाँ ऊपर कपड़े डालने आई तो कपड़े तो डाल दी, फिर देखी पूरे दोनों साइड में छत पर पानी लगा हुआ था और धूप कड़ाके हो गई थी, तो मैं सोची चलो लाओ पानी को थोड़ा सा पहले इसे झाड़ू से हटा देते हैं, नहीं तो लगे लगे ना वो काला काला सा काई टाइप में हो जाएगा। तो बच्चे छत पे आते हैं ज़रूर दौड़ेंगे, पानी में खेलेंगे, वही पानी फिर मच्छर वगैरह लगेगा तो कीड़े होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले चलो धूप है तो क्या थोड़ी सी तकलीफ तो होगी बट चलो पहले कर लेते हैं पानी को। तो पानी वाला काम मैंने यहाँ पे कर दिया और कपड़े भी मेरे पड़ गए, मुझे बहुत तेज धूप लग रही थी और गला सूख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन हाँ बट ये था कि इसे करके हटा देना, इस तरीके से रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो क्योंकि बच्चे आते हैं उसी पानी में बार बार छिप छिप करेंगे, तो ऐसे ही मेरा ब्लॉग आप लोग के साथ डेली रूटीन शेयर होता रहता है, सारी ब्लॉग इस तरीके से। और आई होप आप लोग को पसंद ज़रूर आता होगा, तो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करिए, और कोई भी आप लोग को इससे से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं बातें और पूछ सकते हैं। तो कुछ हमारे लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो साड़ी का कुछ पहनने के अलग तरीके से, तो वो मुझे तो ऐसे नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगले कभी कोई वीडियो मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए कोशिश करूँगी। तो अभी मैं चल रही हूँ नीचे और नीचे चलूँगी तो फटाफट अब लगाऊँगी झाड़ू, और मुझे अभी पर्दे भी उतारने हैं। तो पहले मैं कमरे का, यहाँ पे देखिए कमरे में आने के बाद सारे बैग हो गए इधर उधर कपड़े फेंके थे, अभी सबको हटा लेती हूँ उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग। सारे कपड़े जो थे वो सब फोल्ड किया और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे रखने थे तो उधर मैं बास्केट में इधर डाल दी हूँ। अब बाबू का बैग ऐसे अब मैं चली हूँ अपने किचन का जो ये पर्दा है कर्टन से इसको उतारूँगी, उतारने के बाद इसे भिगो दूँगी। अब मैं बोली ना एक एक करके साफ़ करूँगी तो हो जाएगा अच्छे तरीके से। अभी देखिए वो हमारे फ़ैन भी किचन के बहुत गंदे, उसके भी डस्ट साफ़ करने हैं। तो इस तरीके से मेरा वीडियो, मेरा पूरा दिन रूटीन ऐसे ही बिजी रहता है आप लोग के साथ। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोग से फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोग से फेस टू फेस बात कर सकूं, तो बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बस काम में ही बीत गया। जब मैंने एडिटिंग करने बैठी तो मैं देखी मैं कही ओ मैं तो सामने बस थोड़ा सा बात की उसके बाद बात ही नहीं कर पाई, एंड ऑन कैमरे के सामने ही मैं खड़ी होकर बात करती, बट टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, ऐसे भी बात कर रहे हैं आप लोग से, बात ही कर रहे हैं तो चलिए कर लेते हैं काम, मिलते हैं एक नए ब्लॉग साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, आप लोग भी खुश।